हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कॉम्पिटिशन्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूँ डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, हमारा ये करंट अफेयर्स MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में है। साथियों, आज 11 जून 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कॉम्पिटिशन्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कॉम्पिटिशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही साथ राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए मुझे अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन से क्या फर्स्ट की बात की जाए, हु हैज मेड द टाइटल ऑफ द फ्रेंच ओपन मैंस सिंगल्स फॉर 12th टाइम इन टेनिस। टेनिस में 12वीं बार फ्रेंच ओपन मैंस सिंगल्स का खिताब किसने अपने नाम किया है? ऑप्शन ए नोवाक जोकोविक, ऑप्शन बी डोमिनिक थियम, ऑप्शन सी राफेल नडाल और ऑप्शन डी महेश भूपति। मेरे प्यारे साथियों, अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन जो श्रृंखला थी वो संपन्न हुई है और उसमें 12वीं बार टेनिस में जो विजेता बने हैं, यानी कि मेंस सिंगल्स में जो विजेता बने हैं, उनका नाम है राफेल नडाल। यानी कि राफेल नडाल 12वीं बार फ्रेंच ओपन मैन सिंगल्स का खिताब जीतने वाले बने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। ग्रीस कर्नाड हु हैज डाइड एट 81 ईयर्स ऑफ एज, हु इज ही? ग्रीस कर्नाड, जिनका 81 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वह कौन है? ऑप्शन ए फेमस एक्टर, यानी कि प्रसिद्ध अभिनेता, ऑप्शन बी फिल्म मेकर फिल्म निर्माता, ऑप्शन सी प्ले राइटर नाटककार, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज उपयुक्त सभी। साथियों, ग्रीस कर्नाड, जिनका कि 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह एक प्रसिद्ध अभिनेता, फिल्म निर्माता और नाटककार थे, फेमस एक्टर, फिल्म मेकर और प्ले राइटर थे। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है और इन्हें इसके अलावा फिल्म फेयर के बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। साथियों, अतः हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज आर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या थर्ड, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इलेक्शन कमिश्नर फॉर द एनुअल मीटिंग ऑफ द BCCI ऑन अक्टूबर 22, 2019। 22 अक्टूबर 2019 को होने वाली BCCI की वार्षिक बैठक के लिए निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए एन गोपाल स्वामी, ऑप्शन बी VS संपत, ऑप्शन सी OP रावत, ऑप्शन डी महेश कुमार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एन गोपाल स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या फोर, विच फर्म इज द फील्ड ऑफ ऑटोमोबाइल हैज वॉन द गोल्ड अवार्ड इन साउथ अफ्रीका? ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में सक्रिय किस फर्म ने दक्षिण अफ्रीका में गोल्ड अवार्ड जीता है? ऑप्शन ए बजाज, ऑप्शन बी हीरो, ऑप्शन सी होंडा, ऑप्शन डी महिंद्रा। तो बाइक्स के क्षेत्र में अग्रणी, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में अग्रणी महिंद्रा ने गोल्ड अवार्ड जीता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर है महिंद्रा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या फाइव, विच ऑफ दीज क्रिकेटर हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? इनमें से किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी युवराज सिंह, ऑप्शन सी रोहित शर्मा, ऑप्शन डी शिखर धवन। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी युवराज सिंह ने अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने 17 वर्ष तक क्रिकेट खेला है और क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ एक ओवर में 6 छक्के भी लगाए थे। ये एक बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं और ऑलराउंडर प्लेयर रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे थे। इनको कैंसर हुआ था 2011 के वर्ल्ड कप से पहले और फिर भी इन्होंने 2011 का वर्ल्ड कप पूरी मेहनत के साथ जीता था।
2011 के वर्ल्ड कप में लोगों ने सोचा नहीं था कि ये इतना बड़ा कमाल कर पाएंगे, उन्होंने वो किया जिसकी किसी ने संभावना व्यक्त नहीं की थी। तो युवराज सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अलविदा कहने की घोषणा कर दी है। तो साथियों, इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको दिए हुए हैं, आप पेज नंबर जो 8 है उसमें आंसर्स भी आपको मिलेंगे। आंसर्स भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस का कौन सा आंसर सही है। साथियों, यदि आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो लाइक करें, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है, वो कमेंट बॉक्स में डालें। अनअकैडमी ऐप को और हमारे वीडियोज को व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक पर शेयर करें। साथ ही साथ हमें अनअकैडमी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहां से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।